चाय बोल रहे हो। पिछले एक सप्ताह से शहर के नलों के माध्यम से जो पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, लोग उस पानी की तस्वीरें और वीडियो फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर डालकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। गंदे पानी को लेकर एक ओर जहां लोग आक्रोशित हैं, तो वहीं दूसरी ओर नगर पालिका और जिला प्रशासन का मजाक उड़ा रहे हैं। मटमेले और चाय की तरह दिखने वाले इस पानी की तस्वीरें डालकर कुछ लोगों ने लिखा है कि यदि नगर पालिका इसमें शक्कर डालकर भेजने लगे तो लोग इसे चाय के धोखे में पी जाएंगे। कई लोग इसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह, सीएमओ अरुण पटेलिया, विधायक आलोक चतुर्वेदी और कलेक्टर मोहित धुंदस की लचर कार्य प्रणाली पर सवाल भी उठा रहे हैं। लगातार जी, जैसे ही मुझे इस चीज़ की जानकारी लगी थी कि नलों में गंदा पानी आ रहा है, तुरंत हमने इसका पता लगाया और अपने जितने भी अधिकारी हैं जो इस काम से जुड़े हुए हैं उनको निर्देशित किया, साथ ही साथ सीएमओ से बात की, पटेरिया जी को बुलाया और हम सभी लोग वहां पे देखने गए। बल्कि आज भी मैं मौके पे गई थी देखने, क्योंकि बारिश की वजह से गेट जो है वो अचानक खुलने की वजह से वहां पे गंदा पानी आया, मिट्टी वाला पानी आ गया वहां पे। और इसी के साथ आज हम लोग जब देखने गए तो काफ़ी मात्रा में वो सफाई वहां पे हो चुकी है और साथ ही साथ एलम और ब्लीचिंग का प्रयोग करके उस पानी को साफ बनाया जा चुका है। क्योंकि अभी पाइप में गंदा पानी है इसलिए आज हो सकता है गंदा पानी आए, तो हमने कल से जो है वो आपको साफ पानी मिलेगा। और इसकी पूरी अगर आप चाहें तो मौके पे भी चल के देख सकते हैं, मैं अभी वहाँ से देख के ही आ रही हूँ, तो हमारा कल जो है हमको बिल्कुल साफ पानी मिलेगा। जी,